दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रामायण काल में निर्मित राम सेतु के बारे में। रामायण में सबसे अहम हिस्सा है राम सेतु निर्माण का। करोड़ों भारतीयों की आस्था है राम सेतु। कहते हैं कि आज भी यह सेतु विद्यमान है, परंतु राम सेतु को लेकर भारत में सेतु समुद्रम परियोजना के तहत जब राम सेतु को तोड़ने का कार्य किया गया, तब हिंदुओं में इसे लेकर आक्रोश उत्पन्न हो गया और फिर विवाद बढ़ता ही गया। समुद्र पर बने राम सेतु को दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह एक ऐसा पुल है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वानर सेना के संग लंका पहुंचने के लिए बनवाया था। यह पुल भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता है। राम सेतु ऐसा प्रमाण है जिसके आधार पर रामायण के होने या न होने की बात कही जाती है। कुछ समय पहले अमेरिकी साइंस ने भी दावा किया राम सेतु वाकई मौजूद है, इसे रामायण काल से संबंधित बताया। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी राम सेतु पर रिसर्च किया जा रहा है और कई लोग इस पर अलग अलग दावे करते रहे हैं। उनका कहना है कि रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच बहुत से ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो करीब 7000 साल पुराना है। जैसा कि हमें पता है कि रामायण की घटना भी 7000 साल पुरानी है। राम सेतु को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन। हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार की मूवी राम सेतु में इसके बारे में पूरे साक्ष्य के साथ दिखाया गया है। कुछ लोग इसे धार्मिक महत्व देते हुए ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। अमेरिका के इस प्रमाण के बाद यह राजनीतिक मुद्दा बन गया था। कई विदेशों की रिसर्च सेंटर की ओर से जांच में पता चला है कि राम सेतु या एडम्स ब्रिज मानव द्वारा बनाया गया है। रावण का वध करने के लिए जब भगवान श्री राम लंका पहुंचे, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी रावण की लंका तक कैसे पहुंचे। इसके लिए भगवान श्री राम को इस समुद्र को पार करना था। तब भगवान श्री राम ने राम सेतु के निर्माण की योजना बनाई। राम सेतु के निर्माण हेतु जब भगवान श्री राम ने समुद्र देव से मदद मांगी, तो समुद्र देव ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील ऐसे प्राणी हैं जिसे इन्हें इस पुल के निर्माण की जानकारी है, जो शिल्पकार विश्वकर्मा के पुत्र हैं। यानी कि जब भगवान राम लंका के लिए जा रहे थे, तब समुद्र को पार करने के लिए एक पुल बनवाया गया था। राम सेतु का निर्माण महज 5 से 6 दिनों में पूरा हुआ था। इस सेतु की लंबाई लगभग 100 योजन है। एक योजन में लगभग 13 से 14 किलोमीटर होते हैं, यानी राम सेतु की लंबाई करीब 1400 किलोमीटर है। यह पुल करीब 48 किलोमीटर लंबा है। राम सेतु मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है। कई जगह इसकी गहराई केवल 3 फुट है, तो कहीं कहीं 30 फुट तक है। 15वीं शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाने के सबूत वैज्ञानिकों को मिले हैं, मगर तूफानों के चलते गहराई बढ़ गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है जो टेक्टोनिक मूवमेंट और कोरल में रेत के फंसने से बनी है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।